Sonotec Cassettes. मगर मालन कहती है परदेसी में बागों को फाटक नहीं खोलने की। अब ये मालन अगर फाटक नहीं खोलने की तो मैं यहाँ कब तक खड़ा रहूंगा। इस मालन से ये जरूर मालूम करूंगा ये बाग बगीचे किसके हैं और यहाँ का बादशाह कौन है। ये मालन ही सब कुछ पता बता सकती है। अरे मालन, हाँ। मैं आपसे कोई बात मालूम करना चाहता हूँ, मेरे से सही बताना मालन, झूठ मत बोलना। सही बोलूंगी, झूठ ना बोलने की। ओ भैया ना निकलते झुंडों के बीच में को। झूठ झूठ। हाँ झूठ कह रहेगा। अबे मैं झुंडों की बात कर रहा हूँ, झूठ की बात कर रहा हूँ। क्यों ना आ जाते भैया, कभी चिड़चिड़ा आ जा। चौकस है, चौकस है एकदम। तो सुनिए मालन। हाँ। अरे किस राजा के ये अरे बाग बगीचे, अब किसी की मज है दुहाई जी। क्या कहा मालन? हाँ। क्या ये बाग राजा चूचक के हैं? जी हाँ। और दुहाइयाँ पटमल की मचती है? हाँ जी। यानी कि यहाँ के जो बादशाह हैं वो पटमल हैं? पटमल है। ठीक है मालन, ये पता आपने सही बतला दिया। मगर मालन, हाँ, मेरे मेरे दिल में एक अरमान है। क्या? क्या तू मेरे दिल का अरमान पूरे कर सकती है? तुम्हारे अरमान मालन। हाँ। आज तू मेरे दिल का अरमान पूरे कर दे, मैं जिंदगी में तेरा एहसान बदलूंगा मालन। अजी मालिक, अरमान पूरे करने वाला। अरमान पूरे? अरमान तो मैंने आज तक अपने मालिक के भी पूरे ना करे। ओ भैया मैं जाना देती। क्या नुका देना वो रखी छिक्के पर?
रोटी रोटी हाँ बड़ी बड़ी है ना खा ले तान ले मुझे भी ना देते भैया रोटी हो तेरे अरमान तो पूरा करेगी क्या जब मेरे नहीं करा अभी इसने माली सही कह रहा क्योंकि बहुत सी औरतें कह दे ना अपने आदमी से अपने आतार का खा लो मतलब भैया उगली पड़ी रो रहे आयो जो रोटी कह रहा रोटी मुझे बना देती हो रोटी कह रहा जी मालन हाँ। तो सुनिए मेरा अरमान क्या है क्या है सुनिए अरे सहरी करा दे मालन अरे मुझे बागो शहर दिए तू कराई जी पता मालूम करना चाहती है हाँ जी कहाँ के रहने वाले मालन तेरा हाँ। कोई पता नहीं भैया जाना बर्बादी हो मैं यूँ कहता मैंने बगेरी पते खोल देती ना फाटक ना खोलेगी खोले मेरा गुट्ठा खोले मेरा ठोसा जब तक मेरा जी ना करता ना अपने मालिक को भी बाहर ही रख दो फाटक से ओ होशियार एक बात सुन अब क्यों जस्ती जबर कर रहा है इसके साथ में तू जाना जब इसका जी नहीं कर रहा तो तू क्यों कह रहा ना खोल दे जब इसका जी करो जब खुलो यो हाँ जी जब यो गेट से बाहर गुजरो जब इसका जी करो जब ही खुलो इतना ना खोल दी भैया यो फाटक फाटक हाँ फाटक लो जी नया फार्मूला हमने तो आ सुना है ना फाटक खोलने को भी जी करो हाँ। जी करो तो खोलना नहीं खोलते ना तो सुनिए मेरी बात जी मैं अपना पता बताता हूँ सुनाओ आज तक हजारे का और रहने वाला चकले पे सबने दाना दला है जी ऐसा
इस मालन ने साले ने दिमाग खराब कर दिया। मालन कहती है कि तुम्हारे जैसे रांझे जना कितने आते हैं और हमारी दाल दलते हैं। ओ मालन, हाँ? वो रांझे नाम क्या होंगे, काम के नहीं। एक बात सुन लो, आज तो रांझा काम का है नाम का नहीं, ये डुप्लीकेट रांझा नहीं है, एकदम फीवर है असली। एक बात और सुन लो, सुन रहे हैं? यहाँ असली भी आ गए और नकली भी आ गए, 359 रांझे आ गए, सबने दाने दलाए। और सुन लो, ये जो फूट वाली बोरी तुमसे दलवाऊंगी और अपने मालिक के कुकर में बना लो। हाँ, टुल्लू की पट्टी। क्यों? अब हाँ, मेरे स्कूटर की सिट्टी खराब हो। स्कूटर ना, कुकर। कुकर? हाँ, कुकर। बाड़ू बोलना भी ना आता। बाबूजी मत कहवा। हाँ। एक बात सुन ले। हाँ। मेरे स्कूटर की सिट्टी खराब हो गई। कुकर की? तू अपनी पतीली माँ बना। हाँ। और सोना टैग वालों को खुला। एक बात तो सुन ले। हाँ। मेरी पतीली को कितने दिन हो गए, मेरी पतीली की तली कमजोर हो गई। यो बुंदू मास्टर ना तेरी तली कमजोर करी और कुछ नहीं करा। उससे चढ़वा ले, वो रोहतास आ रहे है ना। हाँ। वो चढ़ा दे तली सही करके। अरे रोहतास बाबूजी की बस की बात ना। हाँ। मैं ना खोलने की फाटक, तुमसे दलवाऊंगी, अपने मालिक के कुकर में बना कर खाऊंगी। बस यो बोरी रखी सामने मोटी वाली। ये भैया इनकी तो हो गई सिट्टी खराब, एक का हो गया कुकर खराब। मालन। हाँ। अब तू चौकस हो जा। ऐसी वैसी जब मैं अपने घर से आना जानता हूँ तो ये फाटक खोलने में जानता हूँ। अरे अब तो चौकटी है, अब ये फाटक मैं अपने आप खोल लूंगा, अब तू मत खोलना। हाँ तो सुनिए, मैं अंदर आ रहा हूँ बाग में, अब तो चौकस हो जाले। ओ मालन, वरना पैर लखा कुंडी रानी का क्या? वह पैर लखा मूसला। तो सुनिए मालन। हाँ। अज सातर सो पीर बहातर सो लिया ना जा रही। और कौन जाएगा? एक बात। ओ मालन, यहाँ साली। ओ देख ले साली, कह दिया। ओ देख, मुझे बताऊँ मेरी मालन को साली को कह दिया, एक मुंह उधेड़ दूंगा। साली कहेगा तो तेरा कोई रिश्तेदार गए। अबे साली लगती है मेरी साली। साली अजी माली, मेरा साडू गया। साडू अजी माली। हाँ। तेरी किल्ली क्यों निकल रही अजी? मुझे डर लग रहा। तू जा,
औरत बच्ची अपने आदमी के पीछे चलती है अच्छी। गलत गलत। क्यों? मर्द बच्चा अपनी बहू के पीछे चलता अच्छा। यो सही बात है। हमारे जिला बिजनौर में वो आर्या गाँव। कौन सा बता दूं? हाँ। एक गांव आ रहा उसमें से लंबा बहू को ला रहा था। हाँ। और भैया एक के बीच में जा रही थी बटिया। हाँ। और बता दूं, देखो जी लौंडा घर पहुंच गया, बहू को आज लो पता नहीं चला बहू कौन से रास्ते से गई। तो बहू को रखू मैं आग। हाँ। जी माली। हाँ। अजी तुम चले जाओ, मैं ना जा रही। मेरा जी ना कर रहा अभी जाने को। क्यों? तू चली जा। अजी अजी। हाँ। अजी तुम्हें पता ना मैं तुम्हारी बहू हूँ। बहू बहू भैया मेरी बहू। हाँ, तू तो मचल बढ़ रिया। मचल ला रहा है कुचल जाऊ। हाँ? चले जाओ। तू मेरी बहू। हाँ। और मेरे अब्बा की। अजी उनकी भी बहू। तो दोनों साडू साडू हो गए। अजी उनकी मैं पूत बहू। मेरी धी बहू। सच मार क्यों रही है? मैं जा रही। जा रही? हाँ। तू जा, तेरी देखभाल मैं करूँगा। जी माली माही बैठा गेट भाई देख लो। मालान परदेसी। वालेकुम अस्सलाम। और सुना क्या हो रहा मालान? अजी मैं तो ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो? अजी बढ़िया। ए जी। हाँ जी। अजी सुनियो। क्या? अजी वो क्या है यो? यो अजी देखा के देना। अजी वो तो बड़ा लंबा। ये और तो सुधारना समान है। औरतों को? हाँ। कहाँ की सुधारी तुमने? कहीं की? मैंने आज तक सुधारी है हजारे की औरतें, अब सुधारूंगा सियाले की औरतें। अजी वो तो बड़ी तेज बोलिया। हाँ जी। एक बात सुन लो। क्या जी? अब तक तो सुधारी तुमने तकत हजारे की। हाँ। और यो है जंग सियाला, यो क्या था फिर रहे यो छोटा सा। हाँ। मैंने तो बड़े बड़े लंबे देखे, बड़े बड़े मोटे, मेरा ना बिगड़ा कुछ भी। हाँ। ओ भैया। हाँ भैया। यो क्या दिखा रहे हुक्के जैसी नंगाली। हाँ। बता दू। हाँ। इन्ने तो ये मोटे मोटे। हाँ। और ये लंबे लंबे देखे। सुने सुने वैसे भी देख लो छोटे से को। ना ना। हाँ। यो चाबी पाना माली। हाँ। भैया ना तो चाबी। हाँ। और ना यो पाना। हाँ। इसका नाम भैया बारह खाना। और बारह खाना बारह बोल्टू फिटा हुआ। बारह बोल्टू जहाँ बैठ जा काम टन टन करो। पुछ पुछ भी ना होने देता। ना जी। ओ माली। हाँ। करा ले सर्विस करा ले। चल चल। ओ भैया माली। हाँ। सर्विस तो नहीं करा लो आज। अच्छा चल करा ली फिर भी ठीक है। देखे मैं फुर्सत में। हाँ ठीक है मालान। हाँ ले तैयार हो जा। तू बेफिक्र रहो बे खटके जम रहा हूँ। हाय मेरी मैया। वो तो अब्दुल मजीद का भैया। आज खास बबून की काम ची तोड़ो और खास बबून की काम ची तोड़ो मेरी अरज सुनो एक ना और मालन पे मारी लगाओ जी। ओ मालन जी सुनो जी एक नाय मालिन तो मुझे पटमल की कही हो जी। अरे कौन है तेरा वाट भर पटमल तेरी तो मैं साली। मालिका मेरी अरज सुनो एक ना और दुगुनी मार लगाओ जी। ओ मालान आयो जी आयो अरे सुना लियो सोना टेक वालो आयो करारे आउरो कोई सोना टेक वालो सोना टेक वालो छुटा लियो। Hey!
हाय मुश्किल तो धुक धुक भी छांसरी के पुलवा पहुंच गई। जगह लग गई चोट। ला पैसे कहे के मिलना नहीं। मैं मिलना ही मैं अपने दुख सुख की कह रही। अरे भैया से मिला करा के दिमाग का भैया बना रखा। ए जी माली। हाँ सुनियो। हाँ अजीब तो मैं ही बर्दाश्त कर रही हूँ कमचीन की कम्मा। अरे यो लकड़ी मिस्सा बर्दाश्त नहीं होने की भिनिया मेरी। अजी मेरे मिर्ची सी लग रही ऐसी जोर से मारी मेरा तान को। हाँ। मेरी किल्ली निकल गई। तुम्हारी मार दी क्या? मेरे भी मारी हन। अजी तुम चले जाओ। आंखों के आगे तिर मेरे आ गए भिनिया। चले जाओ तुम। ओ माली के बच्चे रही है। और रेगो तू हाँ रही है। क्यों बे? मैं यार छोड़ दे। मैं मालन से कोई बात मालूम कर रहा था। तू भी इसमें का साहब। अरे अरे बाबू जी। हाँ जी क्या कह रहे थे तुम मालन को? मैं इससे कोई बात मालूम कर रहा था। हाँ। तो तू बीच में कैसा आया? मैं बीच में नहीं आया बाबू जी। तेरे काम मटक क्यों डाली? ना ना तुम नुना कह रहे थे ना खोल दे फाटक मालन। हाँ। देखो जी बाबू जी मैंने तो अपना मूजला पीछे कर लिया था। अरे इन्हें कुंडी ना खोली? अपनी कुंडी नहीं खोली। देख लियो मैंने मूजला हटा लिया पीछे को कुंडी उसने ना खोली मालन ना। मैं कुछ नहीं कह रहा था। क्यों भाई माली के बच्चे? हाँ गाली को देखे जा रहे? ना ना गाली तुम ना दी मन। अब देख दिखा रहे गाली देख दिखा बच्चे। बुला चल चल बुला चल। हाँ और तू किधर देखो जी रोने में है खानदान नहीं दोनों रोने में दोनों है खानदान नहीं। वो तो कह रहा तू कहाँ जा रही मैया मेरी। अब वो कह रही तू कहाँ जा रहा लाल मेरे। अरे मालन चल खड़ा कर पकड़ का। अरे ठीक हो जाए खड़ा कर पकड़ का। अजी वो क्या बता रहा ऊपर को जो नु कह रहा मैं भगवान से जा मिलूंगा। अब अल्लाह में कुछ कह रहा अल्लाह में गयो। अजी वो तो सीधा का सीधा ही हो रहा। ये कैसा हो गई? अजी वो तो कर गया कर। चल खड़ा तो कर देख लो ये तो कर गया जी। और खड़ा बहुत जल्दी से क्या हो गया मेरी मैया मेरा तो अकेला ही था। बाखड़ा बहुत जल्दी वाकई यो तो इधर जाने कह रहा दिखा। अजी कैसा हो गया? रुजा ठीक हो जाएगा चिंता मत करो अभी हो जाएगा ठीक। मैं किस पे दिन काटूं? अरे बीमारी चल रही हो पोलिया ऐसे हो पोलिया आयो अभी ठीक हो जाएगा यो इंजेक्शन ले होगा इंजेक्शन अजी इंजेक्शन लेगा यो आज रुको आज अजी मतलब मारू जी अब अपनी बहना सब समझ कर छोड़ दे भैया। अच्छा अजी बचा लिया जी। ये ना बचा भी गए कैसे मरवा रहे बैठे बैठे और मती ना मारो मुझे पारी दे। अरे जी सुनो जी एक नाय मालिन तो मुझे पट्टी मल की कई। अरे कौन है तेरा राजा बड़मल छूटा साली तेरी तो मैं का मेरी। अरे जी सुनो एक ना बदनी में तो आग लगी है जी। ओ मालन दिल के बसोली मारो
पारी देशी मेरी। अरजी सुनो जी एक नाय, मालिन तो मुझे हीरे की कई ओ जी। क्या कहा वीर जी मालन ने? मालन इधर आओ। क्या सही कह रही हैं आप हीरे की मालन है? मालन क्या कहा? क्या कहा भीर की मालन है? भीर की मालन भीज को मालन न गोले बहुत जोर से भरखी। और सुनो ना करी बात अब जहाँ मालन अरे मेरी बात सुनो ना। मिर्ची सी लग रही। अच्छा मालन हाँ। क्या तुम सही कह रहे हीरे की मालन हो? हाँ। जब हीर का नाम कोई मेरे सामने लेता है मेरे दिल को बड़ा सुकून होता है। हाँ जी मैं हीरे की मालन हूँ। इधर सुनो देखो मेरा तो कोई इसमें कसूर है नहीं। हाँ भैया तेरा सकूर कुछ नहीं इसमें। अबे सकूर नहीं कसूर। कसूर साला मार के सामने बोल गया मालन। हाँ। मैं राजा छुचक को नहीं जानता। पटमल से मेरी कोई दुआ सलाम नहीं। मैं खाली हीरे का मेहमान हूँ। हीरे को जानता हूँ। हीरे को जानो तुम? हाँ जी बस मेरे किसी को जान पहचान नहीं है। और नाम सुना है गोरी हीरे का। अरे जी सुनो जी एक ना और काम मची दूर बगाऊ जी। मालन हाँ अब तुम यहां से महल जाओ मैं और जाके हीर से कहना कि रांझे परदेसी बाग में आ गए हैं। हाँ। और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ए जी माली मैं ना कर ले इनकी पहचान। क्या ये आज हम नहीं बैठते लोग नहीं बैठो क्यों? ये और तुम्हें बैठते हैं। अब मैं बताऊं। हाँ। तेना राजा छूचक का नाम लिया। हाँ। मारा तुझे। हाँ। बादशाह पटमल का नाम लिया। दुगना मारा। दुगना मारा नहीं मारा जी नहीं मारा। हाँ जी सोना टैग वालों मारा। हाँ। और जब हीर का नाम लिया तो हीर के नाम से कम मजदूर बगेल दी। बगेली नहीं जी। हाँ जी बगेल लिया तो याद में नहीं बैठता यो लोग नहीं बैठा। लो भाई में बैठा तो तूने देखा मुझे ये आदमी होगा नाम से कम मत छोड़ भी देता। अरे बेवकूफ ये गलती तुम्हारी है ना। हे जी परदेसी मैं हीरे का मेहमान हूँ। हीरे को जानता हूँ। हीरे को जानो बस। तो जैसी हीर वैसी तो मैं हूँ। ऐसी आप हो? हाँ, ऐसा क्यों? हाँ जी अजी मुझसे निकाह कर लो तुम। मुझे मार का कोई गिल्ला सिखवाना। निकाह यानी कि मेरे मारने का पीटने का तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है? मुझे तुम पसंद आ गए। ओ भैया। हाँ भैया ले जा रहा। हाँ मैं जा रही। देख मेरा हरा भरा घर जा रही। भाड़ू जा रही तेरे पीछे तो मेरे कर्म फूट गए। मैं लांडी भली थी। लांडू जी मत कह मुझे ईसा कहू। देख मेरा कम से कम मस्जिद और ट्रैक्टर चलना है। और कम से कम 20 बाइक वो चलना ट्रक। ट्रक अगर तुझे एक दो बोरी चिन्नी की चाहिए तो खबर भिजवा दी वहाँ पहुँचा दूंगा। मैं जा रही हूँ इसके साथ पर ले जा रहा हूँ भैया ले जा रहे हो? अरे भाई इसको समझा रहे हो यार ले जा रहे हो? हाँ लो इसे लेता यार। कैसा बाल लेता रहमान को? रहमान रहमान को लेता बाल, बाल को भी फेंक दिया था। एक बात सुनिए ये लेकर जा ये खान सामो को भी लेकर जा ऐसा ये बालक। हाँ वो देख लो और दिखा दे लागो ये बालक मेरे थोड़ी इसके तो ये बालक जैसे बालक ठाठा फेंक रहा हो। ये बात तो सही हाँ, है ये देख लो ये बड़ा लौंडा तुम्हारा। कोई मैं कैसे थोड़ी लाई मैं इसे लेकर जा बड़े लौंडे को। बड़ा लौंडा को हाँ बड़ा लौंडा यो यो जाओ। अच्छा ठीक है ये जी माली अजी माली अजी सुनियो क्या मैं जा रही। जा रही तू परदेसी के साथ? परदेसी साथ क्यों जा रही? ले जा रहे भैया ले जा बालकों की सबको। अरे मालन हाँ। तुम्हारे बच्चे वीरान हो जाएंगे ले जा। ये माली बुड्ढा तुम्हारा परेशान हो जाएगा। मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ने मेरा हरा भरा घर उजाड़ जा तू उजाड़ ले। यूं कह रही मालन के माली मुझे पसंद ना छोटा नाटा छोटा रह गया मैं छोटा इसके हिसाब से कह रही मेरा जोक सही ना इसका तू मोटा ज्यादा यार। हां मालन जाओ तुम चले जाओ ठीक है। और देख भैया जैसा मेरा घर था वैसे ही कर दे। मालन हाँ जी अब तुम यहाँ से महल जाओ और जाके हीर से कहना कि रांझे परदेसी बाग में आ गए हैं और वो तुमसे मिलना चाहता है। बड़ी भोले मारा ने बेचारी
पतली सी मालन के काम ज्यादा हो गया बेचारे का। तुमने मारा बहुत है मीजा। मुझे गुस्सा आ रहा था, ये गलती तुम्हारी है मालन। क्यों? तुम हीर से मेरा मिलन करा दो, तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा मालन। इनाम मैं भी दूंगा, हीर तुम्हें अलग से इनाम देगी। निकाह कर लो तुम मेरे साथ। ना ना मालन, इस बात का जवाब तो तुम्हें हीर देगी। हीर के पास चली जाऊँ? हाँ, वो चाहे आपको हिस्सेदार सारे के बना दे या देगी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं जा रही हूँ। जाइए आप। अब तो मैं खुश हूँ, मैं गाती बजाती जाऊंगी। हाँ बिल्कुल जाओ गाती बजाती। दिल लेके दिल दिया है, ऐसा नहीं क्या किया जाती है और एक जवाब में क्या कह रही है, हीरे से मालन जा रही है मालन। और चली पड़ी मालन फूल बागों से, और
चली बड़ी मालिनी फूल बागो से मेरी, अरे जी सुनो जी एक नाय बागो से मालन जाई रही है जी। वालेकुम सलाम बहन मालिन। हाँ। आज तुम्हारी आंखों में आंसू, आपका चेहरा उदास, अपनी उदासी का कारण बताइए, बागीचा छोड़ के मेरे पास क्यों आ गई? अभी बता रही हूँ। क्या परेशानी है बोलो? परे की परिदेशी आया फूल बागो से ताला तोड़ी दिया है जी। बहन मालिन। हाँ। क्या हमारे बागीचे में कोई परदेसी आ गए और उसने ठोकर से ताला तोड़ा? एक ही ठोकर से ताला तोड़ दिया। जब परदेसी ने ठोकर से ताला तोड़ा उस टाइम तुम कहाँ थी? मैं वहीं थी। क्या तुमने हमारे अब्बू जान का नाम नहीं लिया जिनके मैं बेटी हूँ? सुना सुनाइए। और पहली दुहाई दी मैंने राजा छू चक्की की, पहली दुहाई दी मैंने राजा छू चक्की की मेरी, अरे जी सुनो जी एक नाय और उसने मुझ पे मारी लगाई दी। अच्छा। हाँ, देख लो तुम। क्या तुमने हमारे अब्बू जान का नाम लिया तो परदेसी ने तुम्हें मार लगाई? मार लगाई। क्या तुमने हमारे भाई बासा पटमल का नाम ले लिया जिनकी मैं बहन हूँ? मेरे भाई की तो 12-12 कोष तक दुहाई मचती है बहन। अब सुन लो। सुनाइए। पर दूसरी दुहाई दी मैंने बासा पाटी माली की, पर दूसरी दुहाई दी मैंने बासा पाटी माली की मेरी, अरे जी सुनो जी एक नाय उसने मुझे दुगना मारा। मेरे भाई का नाम लिया तो परदेसी ने तुम्हें दुगनी मार लगाई। एक बात बताइए तो बागीचे में आपकी जान कैसे बची बहन? सुन लो। सुनाइए। और तीसरी दुहाई दी मैंने गोरी गोरी हीर की। क्या तुमने मेरा नाम लिया तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी? सौ तीसरी दुहाई दी मैंने गोरी गोरी हीर की मेरी, जी सुनो जी एक नाय कम मस्त तो उसने दूरी भगाई जी। अच्छा। हाँ। बहन। हाँ। आपने मेरा नाम लिया तो परदेसी ने कम में दूर भगा दी। हाँ। आज मेरा नाम ना लेती थी आपकी जान ना बचती बहन। मेरी जान ना बचती। एक बात बताइए कि परदेसी कहाँ के रहने वाले, क्या उनका नाम है और क्या उनकी पहचान है ये तू बता दो। सुन लो। सुनाइए। पतखती हजारे के रहने वाले, पतखती हजारे के रहने वाले मेरी, अरज राजा तो उन्हें कहता जमाना जी।
कहाँ की तख्त हजार रहने वाली, उनका नाम रांझा है। हाँ। और पहचान क्या है? पर हाथी में मुरली उनके कांधे पे कमलिया, हाथ में मुरली कांधे में काली कमली, पर हाथी में मुरली उनके कांधे पे कमलिया मेरी। अरज सुनो जी एक नाय, मुरली तो उनकी बागों में बजे है जी। ठीक है बहन, ठीक है बहन। हाँ। इससे मुरली हमारे फूल बाग में बज रही है, और मुझे क्या कहा है परदेसी ने? एक बात सुन ले बहन। है सुनाई। वे आए हैं और भूखे प्यासे आए बेचारे। अच्छा, कुछ खाने पीने के लिए ले जा। ठीक है बहन। दूध लेके जाइए। आज थी बोलो, आज थी। क्यों? क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, और मेरे भाई बासा पटमल को पता चल गए तो मेरी सारी प्यार भरी कहानी तो डालेंगे। क्या? हाँ। हमारी प्यार भरी कहानी? हाँ बहन, परदेसी से। हाँ तो चली जाओ जल्दी से। ठीक है, मैं जाती हूँ। देखती हूँ मेरी शौक तेरी कैसी प्यार भरी कहानी चल रही। अब मुझे चलना चाहिए तेरे भाई के पास, बताना चाहिए। पर चली पड़ी मालिन हीरे के महली से, पर चली पड़ी मालिन हीरे के महली से मेरी। अरज सुनो जी एक नाय, महलों से मालिन जाई रही है जी। बचाली के भी आई मालिन अभी जोड़ी पे, बचाली के भी आई मालिन अभी जोड़ी पे मेरी। अरज सुनो जी एक नाय, गोड़ी पे मालिन आई गई है जी। आज हमारे भी मेहमान आ रहा है, कोई ना कोई आवेगा जरूर। आओ। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। और क्या क्या तुम्हारी चार चार? हाँ जी, कहो। हमें उनसे मिला है बादशाह पटमल से। बादशाह पटमल से? जी हाँ। पहले हमसे मिलो। तुमसे? हाँ। तुम्हारा क्या कोई, मैं अचार डालूंगी। अचार तुम्हारी जब हम नहीं आने का लंबी भाग है। चल। हाँ हाँ, जाके कह दे। संचालन सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहो शेर खान। हाँ जी। कैसे आए हो गाड़ी छोड़ करके? इनके बागीचे से मालन आई है, कोई नया संदेशा लेकर आई है। अच्छा, आने दो। हे मालन, दो आने दो। क्या यहाँ आने का टैक्स लगता है? बिल्कुल। यहाँ ये तुझे क्या दिख रहा है? मेरे पास पैसे नहीं है। मना कर दो। हाँ क्या कहा? मेरे पास जब मुकला भाई। शैतान का बच्चा, हमने कहा कि अच्छा आने दो। चवनिया रोटी छाने दो। मतलब जब मैं यहाँ तक खड़ी रहूँगी? हाँ। तो ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल ऊपर जाएगा। मेरे पास बंदे हैं। अच्छा जी, उठ कर देगा? हाँ। ले, चल। संसारम, क्या बात है? इन्होंने नोट का छोड़ दे दिया। पागल का बच्चा, मालन को आदर सही दरबार में पेश करो। आइए, चले जाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मालन, हमारे शेर खान ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? एक बात सुन लो। क्या है? इसने कहा या तो यही रहेगा या यही रहेगा। यही रहेगी वरना यही रह गया। शैतान का बच्चा, मेरा नौकरी से काट दो। बिल्कुल, मेरा खत्म कर दो। क्या नाम? तेरे बालक क्या खाएंगे? हाजी सर करा। तू कहने लगी संसाधन के मुझे 250 ग्राम की पांचे बनवा दो। हाँ शेर खान, तुम नौकरी सरकारी करते हो और ये करती सारी प्राइवेट। शेर खान हजूर, तुम बैठ जाओ। अब हम अपने आप बातें करते हैं। छाती पे चढ़ के तेरा दूध पी, खून पी जाऊंगा। हां हां, छाती पे चढ़ के तेरा दूध पी जाऊंगा। चल ए जी, बैठ जाओ। बात सुनो मेरी। सुनो मेरी बातें। सुनाई सुनाइए। चलो। अरे कहो कैसे आना, और हुआ है तुम्हारा। बोलो मालन। सवाल है तुम्हारा।
दुश्मन की सताई हो। मालन, हाँ जी सुनो, तमन्ना है किसी से की या दुश्मन की सताई हो, और चेहरा रंगीदा क्यों हुआ है तुम्हारा। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ को हाथ उठाया हो तो हाथ कटवा दूंगा, अगर किसी ने तुम्हारी तरफ को निगाह भर के देखा हो तो आंखें निकलवा दूंगा। मेरी बात सुनो। सुनाओ। पर एक ही परदेशी आया फूली बागों में। खड़ी खड़ी देखती रही। एक बात सुनो, जब तुमने हमारे अबूजान का नाम लिया तो हमारा नाम बारे बारे कोच तक है। बच्चे की माँ कहती है कि बच्चे चुप जा नहीं तो पट मल आ जाएगा, जब तुमने हमारा नाम नहीं लिया। तुम्हारा नाम लिया, नाम ये किसकी जालमा है? जालमा नहीं है, किसकी मजाल है? किसकी मजाल है? तुम्हारा भानी माना, और ये माना क्या कहती है तुम थे? बोलो। वो दूसरी दुहाई दी मैंने बासा पटी माली की, तो भागे होगा। वो दूसरी दुहाई दी मैंने बासा पटी माली की, मेरी अराजी सुनो जी एक ना, वो दुगनी मुझ पे मारी लगाई जी। अच्छा दुगनी मान लगाई? हाँ। मालिन, मेरी भोली भाली मालन तुम्हारी जान कैसे बची? सुन लो। सुनाओ। ओ तीसरी दुहाई दे तुम्हारी बहन की, क्या हमारी बहन का नाम लिया? हाँ। तुझे शर्म नहीं आई नालायक की बच्ची? धनकारम, ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है तुम्हारी बहन का मिलने वाला है? पागल का बच्चा। ओ तीसरी दुहाई दे मैंने गोरी गोरी हीर की, मेरी अराजी सुनो जी एक नाय, कम मस्त उसने दूरी भगाई जी। क्या हमारी बहन के नाम से उसने कम मजदूर भगाई है? हाँ। और मालन, तुमने हमारी बहन का नाम लिया उस परदेशी के सामने, तो मुझे जी में आता है कि तुम्हारा गला घोट दूं। गला क्या, मैं तो बैसी हूँ, पीटी पिटाई आ रही हूँ। पीटी पिटाई आ रही है? माली कहाँ है? माली भी मेरा वहीं था, बाग में। हाँ। शेर खान, क्या माई बाप? माई बाप नहीं, मालन को दवाई लिवा दो। ये डाकखाने में भर्ती कर मुझे। पागल का बच्चा, डाकखाने में भर्ती नहीं होती है, अस्पताल में होती है। अस्पताल में? हाँ। चलो मालन, तुम्हारे बोतल लगाऊंगा जूडियो वाले से। इस काम का इंतजाम मैं करता हूँ, ये करेंगे। मैं जा रही। चलिए। एक बात और सुन लो। कौन सी बात है? तुम्हारी बहन है ना, तो वो दूध का लोटा भर के परदेशी से बागों में ही मिलने के लिए। पागल की बच्ची, जख्म पे नमक। सही कह रही है। हमारी बहन हीरे और बाग में परदेशी से मिलने के लिए जा रही है। मैं सही कह रही हूँ शहजाला? हाँ बहुत। चलिए यहाँ से। देख लो। मैं कहता हूँ चली जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। शेर खान, बाग की तैयारी की जाए। हाँ बिल्कुल। 500 जवान सजाए जाए। हाँ। एक बात सुनो। बोलो। परदेशी मुझे जिंदा चाहिए, मरा वाहनी चाहिए। जिंदा? हाँ एकदम। हमारी बहन को पकड़ने के लिए लेडीज पुलिस जाएगी। हाँ, रेडियो पुलिस। रेडियो रेडियो पुलिस। रेडियो पुलिस। अबे लेडीज पुलिस। हाँ जी। और परदेशी को पकड़ने के लिए जेंट्स पुलिस जाएगी। जाम पुलिस। जाम पुलिस। अबे जाम नहीं, और
जेंट्स जैसे हम तुम हैं। जेंट्स जवान चले जाओ 500 जवान सजा करके, और परदेशी जिंदा चाहिए, मरा हुआ नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे होगा ना। जिसकी तरफ को निकल गया उसका जन बच्चा कोल में पिलवा दूंगा। रस क्या डलवाओगे? रस नहीं होता, बंद कर दिए, खून होता है। अच्छा जी, आज देखिए मेहरबानो, हीरे अपने महल से चलती है, दूध का लोटा भर के बाग की तैयारी करती है उस परदेशी से मिलने के लिए। परदेशी बाग में पड़े हुए सो रहे हैं और कई दिन के थके हुए थे, उन्हें भूख लगी थी। आपके सामने हीरे आ रही है। या मेरे अल्लाह ताला परवरदिगार ऊपर वाले, आज मैं क्या देख रही हूँ। ठीक है चलती हूँ। फलक सी तोड़ की देखो सितारे लोग लाए हैं, फलक सी तोड़ की देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाई जो सारे लोग लाए हैं। ठीक है चलती हूँ मैं। ए जी लोटा भर लिया मैंने गर्मी दो दी का, लोटा भर लिया गर्म दो दी का मेरी, अरे जी सुनो ये किनाए महलों से हीरे जाए यही है जी। हीरे जाए रही है जी। चल के आ गई गौरी फूल बागों में, फूल बागों में मेरी, अरे जी सुनो ये किनाए बागों में हीरे आई गई है जी। सोते हो तो उठो मेरे हाँ काम, हो तो उठो परदेसी मेरी, अरे जी सुनो ये किनाए बागों में आवाजी लगा रही जी। ठीक है, आज मैं ये क्या देख रही हूँ, आज मेरे बागीचे में हरी भरी फुलवार दिखाई दे रही हैं। परदेसी बहुत गहरी नींद में पड़े सो रहे हैं, इनको जगाती हूँ। तुम्हें हीर जगावे, तुम्हें हीर जगावे, तुम्हें हीर जगावे, तुम्हें हीर जगावे, जरा उठो नलंद के भाई, जरा उठो नलंद के भाई, मैं दूध मलाई लाई गुट्ठा पकड़ हिलावे तुम्हें हीर जगावे। छू चकी की मैं हूँ जाई, राजा छू चकी की मैं हूँ जाई, तेरे कारण रांझे बागी में आई,
तेरे कारण बाग में आई पटमल की बहन कहलाई। गुट्ठा पकड़ हिलावे तुम्हें हीर जगावे, तुम्हें हीर जगावे, तुम्हें हीर जगावे। ठीक है परदेसी सो रहे हैं, इनको मैं जगाती हूँ। परदेसी उठो उठो उठो, परदेसी उठो। पता नहीं बाग में जाना साली क्या आफत है, मुझे अभी अभी नींद आई, मेरा पैर पकड़ खींच रही। ये कोई आदमी तो है नहीं, है कोई औरत। मुझे तो हाथ जलाने लगे, चूड़ियों की आवाज आई, हाथ बड़े मुलायम लगे, और मैं जैसी उठाई घबरा गई और किसी पेड़ की आड़ ले गई। अभी है बाग में दुबक रही गई, हाथ कर लूंगा जरूर इसमें भी, देख लू कहीं कहाँ आयो। ए जी मार मत दियो तू मेरे हकाम जी, बागो के वाला आई तो मैं सामने हीरी खड़ी हो जी। तुम मेरे हाकम मेरी अरजी सुनो एक नाय, मैं सामने गोरहीरी खड़ी हूँ जी। यारो वैसे तो यो नुखारे मैं सामने हीर खड़ी जाना, वही हीर तो ना आयो जिसके चक्कर में भागा फिरूं मैं, हो सका वही हो क्या आप हीरे? हाँ मैंने कहा परदेसी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या आप ही हीरे हैं? हाँ कह तो देते ही मुझे, कोई शक ना? शक तो कुछ ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो कह दूँ। क्या कहा कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ। परदेसी आप जो भी कहना है कह दो ना। ठीक है, सुनिए मैं आपकी बातें सुनने के लिए आई हूँ। आज मैंने तो खांड की बोरी समझी थी, और मैंने तो खांड की बोरी समझी थी मेरी अरजी सुने के ना, सिरे की खट्टी निकली ना है जी। रूप देखो तो अपन जाब चल जाना। क्या मैं वापस चला जाऊं? हाँ। रूप देखो तो कश्मीर चले जाना मेरी अरजी सुनो एक नाय, सहले में वाला रोपी है नाई जी। परदेसी अगर जो आपको रूप की इच्छा है या रूप की तमन्ना है तो पंजाब या कश्मीर चले जाइए, हमारे जंगशाले में तुम्हें रूप नहीं मिलेगा, यहाँ तो काला धोला रूप है। यहाँ से रहते हैं? जी यहाँ। मैं तो कह रहा था मैंने कहा हीर को बुरा लग जाएगा। आप निकल जाओ यहाँ से पतली गली से, तुमसे तो मेरा दिल फट गया। हाँ हीरे जी बिल्कुल दिल के टुकड़े हो गए अलग अलग। अच्छा और हमारी परेशानी ना देखी, हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ गए आपसे मिले। अजी वफा जिनसे की। क्या कहा? मैंने आपसे वफा करी हीरे जी। और वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की
बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। इतना बता दो जरा पास आके, मिला है तुम्हें क्या खुद को मिला के। तो इतना बता दो जरा पास आके, मिला है तुम्हें क्या हमको मिटा के। वफा जिनसे की हो, वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। आप सुनिए, मैं आपके पास बागीचे में आई हूँ। जी हाँ। क्यों आई हूँ? एक आपसे मिलने के लिए। मिलने के लिए? हाँ। हीरे, जब बड़े आदमी का मिलन होता है या तो बाजी होती है या फिर गाना बजाना होता है। बाजी तो बाद में हो जाएगी। तो फिर ऐसा करो हीरे, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। ठीक है। हीरे तूने मुझे, हीरे। हाँ जी। ऐसा मत करो, सोना अटैक वाले बेकार हो जाएंगे आज। अच्छी है। हीरे तूने मुझे मार दिया बे तेरा, जो बनिया जब निराला से। हीरे तूने मुझे मार दिया बे तेरा, जो बनिया जब निराला से। अजी हो छेड़ करे रांझे मेरे से, ए जी नदी छेड़ करे रांझे मेरे से, तू तो बिल्कुल भोला भाला से। अजी हो के जड़ में प्यार करे, गोरी हो तसल्ली दिल को मेरे, जब बैठ के जड़ में प्यार करे। नाहक में तुमा राजा का रांझे, मत मेरे से तकरार करे। मेरे से तकरार करे। इकरार करूं मैं तेरी शादी कर, तू तेरे नाम की माला से। हाजी हो मजनू भी पागल कहलाया। अच्छा। लैला के ऊपर देखो,
नू भी पागल कहलाया। अरे हाजी तुम्हें ऐही रे वो नहर दूध की भर लाया। लैला के ऊपर देखो मजनू भी पागल कहलाया। अरे हाजी तुम्हें ऐही रे वो नहर दूध की भर लाया। जी मैं रांझा पाली कहलाया जी गऊ को चराने वाला से अजी हो।